करूं इधर इधर। दूध रोटी खाएगा मिठू? हाँ पानी पिएगा। माफिया पागल है क्या? बेटा कौन है? माफिया माफिया चल मैं जा रही हूँ। बाय 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 बाय। अभी मेरी दीदी का छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया था जिसमें बड़ा सा पट्टा चढ़ गया है और मैं देखने आई थी। अब मैं जा रही हूँ मेरे घर। बाय। बाय। लेके जाना पड़ेगा उसको, कौन संभालेगा? ले रिया दादी को चाय दे क्या? खड़ा हो जाओ जल्दी जल्दी। क्या हुआ टेकू? ठंड लग रही है? और ठंडा ठंडा दूध पी ले। रात में ठंडा दूध पी के सोई थी ना तू। गुड मॉर्निंग मेकू, उठ जाओ। आलू के पराठे बना लूँ? कितने खाएगी? दस। पेट में इतनी जगह रहेगी? आलू के पराठे खाएगी? कितने? हाँ किन्ने किन्ने खाएगी? किन्ने किन्ने खाएगी बताना, कितने खाएगी? जितना उसने बोला 10। पेट फूल जाएगा तेरा पेट। यश आलू के पराठे खाएगा? हाँ। कितने? हाँ वही सबके सामने झूठ बोल रहा है, तीन खाता है। अरे तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये मेरी आदत है, मैं मंगलसूत्र में इतनी सारी ये है ना लगा के घूमती हूँ, तो अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज संडे का दिन है तो बच्चों की डिमांड है कि मैं उनको आलू के पराठे खिलाऊं, तो बस आलू के पराठे बनाऊंगी। और कल मैं गई थी मेरी दीदी को देखने के लिए, कुत्ता है ना उनके पीछे लग गया था तो गिर गए थे, तो उनका एक हाथ है ना वो फ्रैक्चर नहीं हुआ ना हाँ जो भी हो, तो 15 दिन का उनको पट्टा चढ़ा हुआ है और बस। नहीं नहीं आपको नहीं दिखा रही हूँ मैं, अब दिखा दूंगी, उदास से बोल रही हूँ। तो बस अब मैं जाऊँगी और है ना मालूम है, एक तो मुझे बॉटलें चढ़ चढ़ के मैं इतनी मोटी हो गई हूँ, और उसके बाद है ना अभी दिसंबर में है ना मेरे हस्बैंड ने है ना तिल्ली के लड्डू लाए थे और उसमें क्या पता कितने होंगे, 50 की 60। एक पैकेट तो मैं घूम घूम के खा गई थी, इसलिए मेरा गाल इतना मोटा हो गया। जब मैंने दीदी के यहाँ पर ब्लॉग बना रही थी ना, मतलब बाहर आने का, जब मैंने देखा मेरे गाल इतने फूले हुए हो गए हैं, तो शर्म आती, इसलिए आजकल मेरा ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता, क्योंकि जब भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना तो मेरा गाल ऐसे कचोरे जैसे दिखते, मुझे शर्म आ जाती है। चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर से। अरे आप भी 1-2 घंटे पहले पूछा, जी मार लेते हो हमारा है? आलू भी चढ़ाने को नहीं रखे। कब बनाओगे? आज मैं निकल गई था। कितनी देर में? 1 घंटे में। बहुत बढ़िया, 2 घंटे पहले पूछा ना मेरे से, और अब गए हैं बाथरूम में नहाने। देख लो ऐसा होता है रियल लाइफ में। तो मम्मी आलू के पराठे बनाने चालू कर दिए? हाँ मैंने धो लिया। मेरी फेवरेट चीज बताओ तो। आलू के पराठे, सॉरी आलू का मसाला और आलू, मुझे बहुत पसंद है। फाइनली हमारे आलू के पराठे बन रहे और मम्मी बना रहे हैं। तो महक को तो बहुत भूख लग रही है आलू के पराठे के नाम से ही। लकी लकी बल्ले पापा को चोट खेलना तू लगी ये लकी। अच्छा आजा आजा, मेरे पास नहीं आएगा, मेरे पास नहीं आएगा है। क्या करेगी इससे? क्या हो रहा है? फूटा नहीं? फूटा? फूट गया। फूट गया दिखा? हाँ सच में फूट गया। सोनी तुझसे तो फूटा ही नहीं था ना, लग गई उसको मारना जाके। आउच। अभी मशीन में लगा दिए मैंने कपड़े और इतने कपड़ों का ढेर और लगा हुआ है, और ये 3 बार में धुलेंगे, 1 बार में तो कोई नहीं धुलने वाले हैं। और अभी मुझे बनाना है ये ब्लाउज,
तो बस सोच रही हूँ बनाने के लिए, पर है ना क्या है कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है यार। दो दो ढाई ढाई तो मुझे काम में ही हो जाती है, फिर उसके बाद मैं थक के ऐसी हो जाती हूँ, और फिर उसके बाद मुझे रील भी बनाना, ये भी करना, वो भी करना, घर वाह ये सब करने में मुझे बहुत वो हो जाता है। तो इसलिए है ना मन नहीं होता है मेरा, पर बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी है ना जितनी मैंने बहुत सारी साड़ियाँ ली ना, तो सारी साड़ियों के ना ब्लाउज़ ख़त्म होते जा रहे हैं और घर में पहनने के भी बहुत ख़त्म हो चुके हैं। तो अब मुझे ही बनाना पड़ेगा क्योंकि मार्केट में बनवाओ ना, तो मैं खुद बनाती हूँ ना, इसलिए मुझे मार्केट में देने में बहुत वो होता है, जो अर्जेंट की वो दे देती हूँ, पर क्योंकि वहाँ पर भी अब है ना 200-250-300 रुपये सिलाई हो गई है और एक बनवाने के लिए, और जो काम हमें आता है ना उसमें वो पैसा देने में बहुत वो लगता है, तो इसलिए मैं ही बनाऊँगी। दिन का टाइम हो रहा है और सब सो रहे होते, तो फिर हम अभी खेल रहे छत पे, और हमारा स्टंप बनेगा ये टंकी, क्योंकि तो अगर इसके पीछे बॉल गई तो सीधे नीचे, पहले भी हमने खेला ये नहीं किया, ये पहली बार खेल रहे, तो चलो खेलते। ये आ गई है सोनी, नीचे नहीं गई, मैं आ रही नीचे से 2 मिनट। अरे तो अभी मेरा सारा काम हो चुका है, अब नहलाने जाना है बच्चों को, और बस मेरी आंखों से लग रही है ना मैं थकी थकी, हाँ बहुत थक जाती हूँ यार मैं, 3-3 बच्चे, मेरा पूरा घर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, और जैसे जैसे गर्मी ज़्यादा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टाइम भी, मतलब दिन बड़े होते जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दिन अभी जब ठंड में है ना छोटे हो गए थे ना, बाप रे बाप मैं तो काम कर करके थक गई, पर काम नहीं होता था ख़त्म, और वॉशिंग मशीन में कपड़े लगे हुए हैं, बस कपड़े है ना ज़्यादा ढेर हो गए क्योंकि कल भी धोए नहीं थे, कल मैं दीदी की उधर चली गई थी, तो अभी धोगी मतलब मशीन में लगा दूंगी और वो धुलते रहेंगे बस, और उनको डाल दूंगी। और अभी है ना मेरे बाल भी है ना नहा के आई ना मैं, तो मैंने मेरे बालों को भी नहीं झाड़ा, ऐसे जुड़ा बना लिया था, अब इनको भी बाल को झाड़ूंगी। अभी पता है मेरे बाल बहुत झड़ के बहुत पतले हो गए हैं, पहले मेरे बाल बहुत ज़्यादा थे बहुत ज़्यादा, अब तो यहाँ से मुझे ऐसा लगता है मोती कम हो गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और हमें भी सपोर्ट कर दीजिए। और ये आ गई सोनी, बार बार इसको क्या पता क्या है, गर्मी लग रही है क्या, बदतमीज, बाय।